नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लिपकार्ट के बारे में। दोस्तों मैं फ्लिपकार्ट के बारे में टोटल चीज़ें आज बताने वाला हूं। दोस्तों जैसे कि फ्लिपकार्ट पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कैसे करते हैं, शॉपिंग कैसे करते हैं और भी चीज़ें मैं बताऊँगा एप्लीकेशन में जाने के बाद। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता हूँ अभी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को पे बने रहिएगा। और यहाँ पर हम जाएंगे फ्लिपकार्ट पे बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ फ्लिपकार्ट पे आएंगे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा होम पेज पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे होम पेज के बारे में। यहाँ पे आपको ऊपर में सर्च का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप किसी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे फ्लिपकार्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे कार्ट्स के ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप कार्ट में ऐड करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। यहाँ पे हम आपको कार्ड में भी ऐड करके दिखाएंगे प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल कैटेगोरीज का ऑप्शन दिखेगा, जो कि यहाँ पे ऑल कैटेगोरी है इसके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल है, फैशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे कैटेगोरी पे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको और भी क्लियर दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैक आते हैं और यहाँ पे आपको कैटेगोरी दिख गया है, यहाँ पे सेल चल रहा है वो आपको दिखेगा, यहाँ पे सेल्स चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिलेटेड व्यू स्टोर, यहाँ सॉरी रिसेंटली व्यूड स्टोर, यहाँ पे जो हम रिसेंट में देखे हैं व्यू सर्च कर करके जो प्रोडक्ट हमने देखा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे वही सब है, प्रोडक्ट सब जो कि सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सामान सजेस्ट कर रहा है ये आइटम। तो यहाँ पे ये तो हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें जाना है यहाँ पे थ्री लाइंस के ऑप्शन में, यहाँ पे थ्री लाइंस के में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में बताएंगे क्योंकि ज़्यादा सबके बारे में डिक्लियर करके बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा फ्लिपकार्ट प्लस जोन, तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑल कैटेगोरीज का ऑप्शन दिखेगा, तो वही ऑल कैटेगोरी है जो कि कैटेगोरीज भाई है, जैसे कि फैशन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इसके बारे में तो हम बता ही हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेंडिंग स्टोर न्यू, यहाँ पे जो प्रोडक्ट ट्रेंड करता है, जो आइटम ट्रेंड करता है वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सब है, ट्रेंडिंग आइटम सब है। तो यहाँ पे आप ट्रेंडिंग आइटम में भी जाकर आप किसी भी सामान को ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोर ऑन फ्लिपकार्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर भी ज़्यादा नहीं जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चॉइस लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफ़र जोन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे ऑफ़र जोन में जाने के बाद जिस प्रोडक्ट पे ऑफ़र चल रहा है वो प्रोडक्ट दिखेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको सेल ऑन फ्लिपकार्ट, यहाँ पे जो सेल चल रहा है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको माई ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, माई ऑर्डर के ऑप्शन में जाने के बाद आपको जो 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 सामान आपने ऑर्डर किया वो सारा सामान यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सामान हम ऑर्डर किए या फिर कैंसिल किए, यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंसिल बाय, ये प्रोडक्ट ये कैंसिल है, यहाँ पे जो ऑर्डर है ये सारा शो करेगा, जो कि आपने जो शॉपिंग किया है फ्लिपकार्ट से वो सब शो करेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रिफर एंड अर्न का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें भी हम आपको जाकर थोड़ा सा दिखा देते हैं, यहाँ से आप इसके लिंक को किसी भी दोस्त या फिर किसी पे शेयर करेंगे व्हाट्सएप वगैरह पे और वो इसी लिंक से डाउनलोड करेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे पैसा वगैरह मिलेगा। इसके बारे में आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख लीजिएगा और इसका ट्यूटोरियल समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से जाना है इस पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं माई रिवॉर्ड्स का ऑप्शन है, माई रिवॉर्ड्स में जो कि स्केच कार्ड वगैरह मिलता है यहाँ पे वही सब है। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा माई कार्ड्स का ऑप्शन, माई कार्ड्स के ऑप्शन में वही जो कार्ड्स में हम ऐड करते हैं सामान वही दिखेगा। तो यहाँ पे हम इस पर भी जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्ड्स में हम सामान सब ऐड किए हैं वही सब शो कर रहा है यहाँ पे। फिर से हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं माय विज लिस्ट, माय विज लिस्ट क्या है, जैसे कि किसी भी सामान को हम लाइक करते हैं तो वो विज लिस्ट में जाके ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इस पे भी जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं माय विज लिस्ट में है ये सब, जो कि हम तीन सामान को हम लाइक किए थे तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लाइक करके भी आपको दिखा देंगे।
तो यहाँ पे हम थ्री लाइन पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं माई अकाउंट का ऑप्शन, माई अकाउंट के ऑप्शन में मेरा अकाउंट शो होगा। उसके बाद यहाँ पे माई नोटिफिकेशंस के बारे में तो जानते ही आप, नोटिफिकेशन सब माई नोटिफिकेशन में आता है। उसके बाद माई चार्ट में आप जैसे हेल्प सेंटर हेल्प में जाकर कोई मैसेज चार्ट लिखते हैं तो यहाँ पे शो होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये सब के बारे में। उसके बाद हम आपको किसी भी सामान को ऑर्डर करके दिखाते हैं। अब तो यहाँ पे हम बैक आएंगे और किसी भी सामान को हम ऑर्डर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस टी शर्ट पर जाएंगे और इस टी शर्ट पर जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आ गया है शर्ट टी शर्ट वगैरह। तो यहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट पर जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको विज लिस्ट के बारे में बताना चाहते थे उस टाइम, तो यहाँ पे अब इस पर लाइक करेंगे तो दोस्तों ये विज लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं माय विज लिस्ट, यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से विज लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके बाद हम इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे आप 369 अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पे 60 रुपया डिलीवरी चार्ज है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे 365 ऑर्डर इन लास्ट 30 डेज, ये प्रोडक्ट 30 डेज में 360 पीपल ने इसको परचेज किया है तो ये दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे साइज वगैरह सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम फिर से नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी बाय 23 मई मंडे। तो ये आज अगर ऑर्डर करेंगे तो ये 23 मई को डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे 10 डेज रिटर्न पॉलिसी है, यहाँ पे आप 10 दिन के अंदर में आप रिटर्न कर सकते हैं सामान को। उसके बाद यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे दोस्तों तो इसका साइज वगैरह है, कलर है और यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे इसका रेटिंग है 3.9 का रेटिंग है। और यहाँ पे नीचे आएंगे रेटिंग में तो इसका ये देखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप शॉपिंग करते हैं तो, कि सामान आपको कैसा मिलने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल सामान कैसा है, तो यहाँ से आप फोटो में देख सकते हैं जो कि सब और यहाँ पे रिव्यू देता है। तो यहाँ पे आप देख के और फिर आप सामान को ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे हम साइज सिलेक्ट कर लेते हैं और हम मीडियम कर लिए, आपका जो साइज होगा वो साइज सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस ले यहाँ पे एड्रेस अपना लगा देना है। और यहाँ पे आपको एड्रेस लगाने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं थोड़ा सा एड्रेस के बारे में बता देता हूँ, इतना कुछ बता दूँ तो एड्रेस के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एड्रेस के ऑप्शन में यहाँ पे एडेड न्यू एड्रेस के ऑप्शन में हम जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको एक नया चार्ट खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल नेम है, तो यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड का ऑप्शन दिखेगा तो आप पिन कोड डाल देंगे दोस्तों। अगर डालने में परेशानी होगा तो आप अपने आधार कार्ड से पिन कोड को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टेट में अपना स्टेट डाल देंगे राज्य। उसके बाद सिटी है जो कि आप सिटी अपना डाल देंगे। उसके बाद होम नंबर बिल्डिंग नेम है, तो यहाँ पे आपको होम नंबर याद है तो आप होम सॉरी हाउस नंबर याद है तो आप हाउस नंबर अपना डाल देंगे। और अगर बिल्डिंग नेम नहीं है तो आप आसपास का कोई बिल्डिंग नेम जो कि फेमस होगा वो आप डाल देंगे तो डिलीवर्ड को आप आने में परेशानी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा रोड नेम एरिया एंड कॉलोनी, जैसे कि कोई फेमस रोड आता है आपके बिल्डिंग के सामने तो उस रोड को आप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एरिया भी दे सकते हैं, उसके बाद कॉलोनी भी दे सकते हैं जो कि छोटा मोटा इलाका होगा वो उसका। और उसके बाद यहाँ पे आप सेव एड्रेस पे क्लिक कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे एड्रेस का काम हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस के काम होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिलीवर हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिलीवर हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन में आप आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट के ऑप्शन में आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको पेमेंट के ऑप्शन में UPI का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ATM दिखेगा, नेट बैंकिंग दिखेगा, कैश ऑन डिलीवरी दिखेगा। तो हम कैश ऑन डिलीवरी पे करना चाहते तो हम कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हम बैक आ जाएंगे
और दोस्तों और कुछ तो नहीं छूटा है, हम लगभग चीज़ें बता दिए। यहाँ पे आपको सुपर कॉइन्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आपका जो कॉइन है वो आपको दिखेगा यहाँ पे, यूज कॉइन में, अर्न कॉइन में। यहाँ पे आप यहाँ से आप कॉइन से पैसे भी कमा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको फुल ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर सीखना होगा जाके कि पैसे कैसे कमाते हैं फ्लिपकार्ट से। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रेडिट का ऑप्शन दिखेगा, जो कि आपने ट्रांजेक्शन वगैरह शायद किया होगा तो उसका ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गेम जोन में कुछ नहीं है खास, तो यहाँ पे हम आ गए हैं होम के ऑप्शन में, होम पेज पे आ गए हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे फ्लिपकार्ट के बारे में टोटल चीज़ें, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को समझना चाहिए जितना उतना हम आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा हुआ, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।